इसलिए कि सही बुखारी की रिवायत सुनिए आप कितनी सख्त है इस मामले में, सिला रहमी के रिश्तों को बाकी रखना, और रिश्तों को बाकी रखने में मुलाकात एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है। आइए वो क्या अल्फाज है हदीस के, अल्फाज इस तरह, अल्लाह ताला मखलूक़ात को जो है मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया, मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और जब वो इनकी तख्लीक़ से फारिग हुआ, जब उसने मखलूक़ात को बनाया, इंसान को बनाया, और अल्लाह जब इससे फारिग हुआ, तो रहम ने कहा, रहम यूटरस बच्चेदानी जिसको बोलती है, माँ के पेट का वो हिस्सा जिसमें बच्चा परवरिश पाता है, और वो रहम से सिला रहमी, रहम के ताल्लुकात को जोड़े रखना, खता रहमी, रहम के रिश्तों को तोड़ना, उसी से लफ्ज आता है। ठीक, तो रहम ने अल्लाह से कहा कि तेरी पनाह मांगने वाले का ये मुकाम है। रहम ने कहा, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, और क्या तेरी पनाह मांगने वाले का ये मुकाम है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, क्या तुम इस बात से राजी नहीं, रहम से अल्लाह ने जवाब दिया, तुम इस बात से राजी नहीं हो कि जिसने तुझे मिलाया इसे मैं भी मिला दूंगा, और जिसने तुझे ख़ता किया तोड़ा तो मैं भी अपना रिश्ता इससे ख़ता कर लूँगा। रहम ने अल्लाह से फरियाद की, एक रिवायत में रहम अर्श के नीचे लटकता है, एक रिवायत में अल्फाज ये भी कि रहम ने एक मरतबा अल्लाह के पास जाके फरियाद की, और फरियाद करके क्या कहा अल्लाह ताला से रहम ने, कि कहा अल्लाह कि मेरे ताल्लुक़ से क्या यही मामला है? तो अल्लाह ने कहा, क्या तो इस पर मुतमइन और खुश नहीं है कि जिससे जिसने तुझसे बाकी रखा अपना रिश्ता तो उससे मैं भी अपना रिश्ता बाकी रखूँगा, और जिसने तुझे तोड़ा, समझ, रहम के रिश्ते क्या होते हैं, पैदाइशी, ननियाली और ददियाली, यही रहम के हैं, और फिर निकाह से एक रिश्ता बनता है, तीन ही किस्म के रिश्ते होते दुनिया में, एक पैदाइश से बनता है, ननियाल और ददियाल, पैदा हो गए तो ऑटोमेटिकली ये दादा है, ये दादी, ये फूफी है, ये चाचा, ये खाला है, और एक रिश्ते बनते हैं वो होते हैं शादी से, और शादी से जो रिश्ते बनते हैं उसको इन लॉज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना, ठीक, मतलब साला वो भाई होता है ना, ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ, लेकिन वो जहर चाहते वो रिश्ते अलग होते हैं थोड़े से किस्म, लेकिन वो भी रिश्ते होते हैं, जैसे सास ससुर माँ बाप जैसे होते हैं, लेकिन वो पैदाइश की वजह से नहीं, रिश्ते की वजह से होते हैं, समझ रहा। तो रहम ने फरियाद की, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या तुझे ये चीज़ पसंद नहीं, जिसने तुझसे बाकी रखा रिश्ता मैं उससे अपना रिश्ता बाहो, जिसने तुझे तोड़ा मैं भी उससे जो है अपना रिश्ता तोड़ लूँगा। तो रहम ने अर्ज़ किया, मैं राज़ी हूँ इस चीज़ पर, अगर ये है मेरा मुकाम तो मैं राज़ी हूँ इस चीज़ पर। तो ऐ मेरे रब, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे रब मैं राज़ी हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया, समझ लो मैंने तुझे ये दे दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आगे कुरान की आयत भी तिलावत की, अगर सहाबा से कहा तुम्हें यकीन ना हो तो ये आयत भी पढ़ लो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 की आयत नंबर 22 पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये, और तुमसे ये भी बईद नहीं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बरपा करोगे और रिश्ते नातों को तोड़ डालोगे। रही कौम के ताल्लुक से कहा, बईद नहीं कि जब तुम्हें अल्लाह हुकूमत दे दुनिया में तो क्या क्या काम करोगे, एक तो ज़मीन में फसाद, दूसरा काम रिश्तों को तोड़ डालोगे, है ना। तो रहम मतलब रिश्तों को जोड़े रखना ज़रूरी है, तो ये दूसरे हकदार है हमारी ज़्यारत।